और ये तो साफ हो चुका है कि इजराइल किसी भी हालत में हमास को छोड़ेगा नहीं। लेकिन दिक्कत अब यह आ रही है कि हमास के चक्कर में फिलिस्तीनी बुरी तरह से जंग में मारे जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने मध्य गाजा में इतने भीषण हमले किए हैं कि पूरा सेंट्रल गाजा कब्रिस्तान बन गया है। देखिए रिपोर्ट। आधी रात भून डाला मध्य गाजा, गाजा और रफा में इजरायली सेना इस वक्त वही कर रही है जिसकी धमकी प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दी थी। हमास भी इस वक्त वही कर रहा है जिसकी धमकी हमास के चार टॉप कमांडरों ने इजराइल को दी थी। पिछले 24 घंटे में गाजा में ऐसा युद्ध शुरू हो चुका है जिसकी उम्मीद ना तो ईरान ने की थी और ना ही कतर और मिस्र ने। इजरायली सेना फिलिस्तीनियों के खून की प्यासी हो चुकी है और हमास मरते दम तक इजरायल से जंग करने पर आमादा है। हम आपको अब ये दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आधी रात से इजरायली सेना मध्य गाजा में खूनी हवाई हमले कर रही है जिसमें दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए हैं। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के दावों के मुताबिक आधी रात से इजरायली सेना मध्य गाजा को हवाई हमलों से भून रही है। हवाई हमले इतने ज्यादा घातक और सटीक हैं कि मध्य गाजा में मौजूद इमारतें तेजी से तबाह हो रही हैं। दावों के मुताबिक आधी रात से लगातार भारी बमबारी में गाजा सिटी पर जमकर हवाई हमले हुए हैं। वहीं गाजा से सटे शुजाया में इजरायली हमले में इमारतें तबाह हुई हैं, जबकि शेख एजलेन में हुए हवाई हमलों में कई आम फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ताल अल हवा में हमास के लड़ाकों ने बेशक इजरायली सेना पर पलटवार किया है, लेकिन वो हमले लगभग नाकाम साबित हुए हैं। कुल मिलाकर गाजा सिटी, शुजाया, शेख इजले, ताल अल हवा में दर्जनों लोग इजरायल के भीषण हवाई हमले में मारे गए हैं। جعلونا وحوش مجرمين على بعضنا عشان نتلقى الغذاء نتلقى الطعام اللي ما ماتش من المساعد من المظلات مات على الكويت مات على نابلس حماس का पलटवार 24 घंटे से खूनी युद्ध। जनवरी के मध्य में प्रधानमंत्री बेनमिन नेतन्याहू ने दावा किया कि इजरायल ने गाजा में हमास की दो तिहाई लड़ाकू रेजिमेंटों को तबाह कर दिया है, लेकिन उन्होंने मारे गए लड़ाकों का कोई आंकड़ा नहीं दिया। हालांकि युद्ध से पहले IDF के एक अनुमान में गाजा में हमास के लड़ाकों की संख्या करीब 30,000 बताई गई थी। टाइम्स ऑफ इजरायल ने 19 फरवरी 2024 को IDF के हवाले से खबर दी, हमास के 13,000 लड़ाके मारे गए थे। युद्ध शुरू होने के बाद आंकड़े बताते हैं कि गाजा पट्टी में मारे गए लोगों में कम से कम 70% महिलाएं और बच्चे हैं। पिछले 24 घंटे में मध्य गाजा में जिस तरह से इजरायली सेना ने भीषण हवाई हमले किए हैं, वो साबित करते हैं कि हमास को लेकर इजरायली सेना जरा भी रहम नहीं दिखा रही है। अंधाधुंध हवाई हमले गाजा सिटी, रफा और उससे सटे इलाकों में किए जा रहे हैं। इजरायली हवाई हमलों पर किए गए दावों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में इजरायली हवाई हमले में 28 लोग मारे गए हैं, जबकि 51 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजरायल के हमले में बुरी तरह से घायल हुए हैं। इजरायली वायुसेना गाजा सिटी में रिहायशी इमारतों पर अंधाधुंध हवाई हमले कर रही है। स्थानीय मीडिया के दावों के मुताबिक तबाह इमारतों में सैकड़ों फिलिस्तीनी बच्चे फंसे हुए हैं। इजरायल काफी समय से इस बात पर जोर दे रहा है कि वो मिस्र की सीमा से लगे शहर रफा पर बड़ा जमीनी हमला करेगा, क्योंकि हमास की आखिरी बटालियन यहीं पर छिपी हुई है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से IDF के हमलों में कम से कम 34,596 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि 77,816 फिलिस्तीनी हमलों में घायल हो चुके हैं।
שממשל ביידן הבהיר שלשום שזו עדיין גם עמדתו. ואני מבקש להעביר דבר נוסף. ישראל היא לא זו שמונעת עסקה. חמאס מונע עסקה. דרישותיו הקיצוניות נועדו להביא להפסקת המלחמה והשארתו על כנו. זאת אומרת, להבטיח את הישרדותו, את שיקומו. आधी रात भून डाला मध्य गाजा। इधर इजरायली सेना हमास के टॉप कमांडर्स को मारना चाहती है, लेकिन दिक्कत यह है कि हमास चीफ वानिया कतर में छिपा बैठा है, जबकि सिनवार मिस्र से सटे रफा की सुरंगों में आबादी वाले इलाकों में छिपा बैठा है। इजरायल इसलिए बार बार कह रहा है कि रफा में हम ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। 4 जनवरी 2024 तक इजरायली सेना गाजा में 65,000 टन बमों से हमला कर चुकी है। इसराइल के भीषण खूनी हमले में 400 वर्ग किलोमीटर इलाके में 23 लाख फिलिस्तीनी फंसे हुए हैं। इसराइल दिसंबर 2023 तक गाजा पट्टी में 29,000 से ज्यादा बम बरसा चुका है, जिसमें गाजा पट्टी में मौजूद 70% से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। कुछ दावों के मुताबिक हमास की 80% सुरंगें इसराइल की भयानक बमबारी में तबाह हो चुकी हैं, लेकिन रफा में मौजूद हमास की सुरंगों को तबाह करना इसराइल के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि सुरंगें ठीक घनी आबादी के नीचे हैं। अगर यहां पर इसराइल 3,000 किलो के बम गिराता है तो यहां पर हजारों लोग मारे जाएंगे। אני אלחם בזה בכל כוחותיי. כפי שהחיילים שלנו מאוחדים להגן עלינו בשדה הקרב, אנחנו מאוחדים להגן עליהם בשדה המדיני. יחד נלחם, ובעזרת השם, יחד ננצח. पश्चिम की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल अब तमाम दबावों के बावजूद हमला नहीं रोकेगा और ना ही हमास को बचने का जरा भी मौका देगा। अब देखना होगा कि हमास इसराइल से मुकाबला और कितने दिन तक कर पाता है।